हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। अभी दोस्तों बहुत ही जल्द इस कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है, तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप लोग इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इस कंपनी से संबंधित हम थोड़े बहुत आंकड़े देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2019 से लेकर 2023 तक का कंपनी की परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत यहाँ पर डेटा ले रखा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स की, तो 2019, 20 और 21 इन तीन साल के अंदर कंपनी ने कुछ खास सेल्स नहीं की है। हाँ, लेकिन 2022 में कंपनी ने 28.1 करोड़ की सेल की है और 2023 में कंपनी ने 170.2 करोड़ की सेल की है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें 2022 में कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 2022 के अंदर कंपनी को 222.9 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि 2023 में कंपनी को 38.7 करोड़ का लॉस हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप और देखिए कि जब 2022 की तुलना 2023 में कंपनी की सेल्स बढ़ी, तो कंपनी का जो लॉस था, ये लॉस भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के खर्चों की, यानी कि एक्सपेंस की, तो आप देख सकते हैं कि 2022 के अंदर कंपनी का जो एक्सपेंस था, ये 328.7 करोड़ का था, जो कि 2023 में 327 करोड़ का हो गया। यानी कि 2022 की तुलना 2023 में कंपनी के खर्चे कम हो गए। इसके अलावा कंपनी की जो सेल्स है, ये भी बढ़ गई है, ठीक है। और दोस्तों, आप इस चीज़ को एक बार, ये जो नीचे परसेंटेज प्रॉफिट का जो डेटा दिया हुआ है, इससे भी देख सकते हैं 2022 में कंपनी का जो लॉस था, ये -792% का था, लेकिन 2023 में कंपनी का जो लॉस है, ये 23% का रह गया। यानी कि दोस्तों, अगर कंपनी की सेल बढ़ेगी, तो ये चीज़ तो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक दिखाई देती है कि कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। दोस्तों, अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, वैसे वैसे कंपनी का जो लॉस है, ये कम होता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी ने अपने एक्सपेंस को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा है। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ऐसा लगता है कि अगर कंपनी अपनी सेल को इंक्रीज करेगी, तो कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकती है। लेकिन आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा और ख़ुद भी एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से रिसर्च और स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आप सभी लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में। जब तक लिए टाटा, बाय बाय।